क्या मस्त व्यू आ रहा ना भाई, साफ पानी है भाई। अभी तो आने वाले टाइम में ये पानी फ्रीज हो जाएगा। हम अपनी गाड़ी को ले आए यहाँ तक, दूसरी बार ये पंगा लेना ही नहीं है। और हमारी गाड़ी का टायर यहाँ पे फंस गया भाई, बहुत ठंड है भाई, तगड़े वाली बोलते हैं जो उसमें होश खो देते हैं। आज वही काम कर दिया हम दोनों ने। -10 में है, नदी के किनारे बैठे हुए और बन रही है हमारी चाय। ये होगी भाई हमारी चाय के लिए मरम्मत तैयार। भाई देखो अपना देसी स्टाइल में चलता है सारा कुछ। भाई टाइम है सुबह के 8:30, घड़ी लगी है चार्जिंग पे और वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे हम पहुंच चुके हैं। अभी तक यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं भाई, सब कुछ बंद है। 9 बजे खुलता है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे अपना स्टिकर लग चुका है भाई। अब देखते हैं भाई आते थोड़ी देर में, एक बार राउंड वगैरह मार के आते हैं इधर उधर। ऐसे खड़े होके तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ये है स्तूपाज और यहाँ पे आई लव स्पीति। यहाँ पे फोटो और वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि भाई आप यहाँ पे आए हुए थे। जब तक वो पेट्रोल वाले भी आ जाएंगे भाई। अल्टो निकल गई अंदर पेट्रोल पंप। कहाँ भाई, नीचे के लिए रास्ता भी तो है, क्यों नहीं समझते भान प्रताप आप। सबसे कॉस्टली आज जो हमने तेल डलवाया अपनी गाड़ी में, और वो है 107 रुपए का। हाई डेंसिटी फ्यूल है बोलते गाड़ी की एवरेज आएगी। मैंने सिर्फ 1200 रुपए का लिया है यहाँ से। भाई कौन लेगा, वैसे भी तो मैंने एक ये रखी हुई है कैनी। कुछ एक भाई हैं भाई चंद्रताल से आए हैं, तो बोलते चंद्रताल तो बिल्कुल ही बंद करके रखा हुआ है इन्होंने, तो क्या करें अमन भाई, ऑफ सीजन है अब सारा कुछ, मार्केट वगैरह हर एक चीज जो बंद हो ही रही है यहाँ पे, तो चंद्रताल इन्होंने बंद ही कर दिया है। बोलते टिप्पर फेंके हुए वहाँ पे तगड़े तगड़े, बड़े बड़े पहाड़। और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रहा भाई बहता हुआ पानी। क्या मस्त व्यू आ रहा ना भाई, बिल्कुल साफ पानी है भाई। अभी तो आने वाले टाइम में ये पानी फ्रीज हो जाएगा। हम अपनी गाड़ी को ले आए यहाँ तक भाई। बहुत खतरनाक रास्ता था, लेके के आना बनता था भाई एक बार। वैसे रिस्की है बट यहाँ पे बोल रहे हैं लोकल्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ही जा सकते हो, अभी कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं है। लोग यहाँ से देखो कटाई करके रेता बजरी भी लेके जा रहे हैं। और ये रहा भाई पानी का नजारा, जबरदस्त भाई जबरदस्त। दूसरी बार ये पंगा लेना ही नहीं है यहाँ पे। पता क्या बारे, सारा कुछ गिल्ला हो गया हमारा। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लिपरी है और हमारे गाड़ी का टायर यहाँ पे फंस गया भाई। बहुत जाके मुश्किल से हमने अभी निकाला है भाई। पैर सारे गिल्ले हो रखे हैं, बहुत ठंड है भाई तगड़े वाली। और आपको बताऊं क्या सीन है, देखो टायर भी कट गया यार भाई। बेल्ट के क्या हाल हो गए, वो कपड़ा कहाँ गया, सारा साफ कर लेते हैं इसको। मेरे पैर गए, सुना रुको तो भाई, कोई ना तू कर ले, चिल मार ले अभी। पैंट वगैरह तो मैंने वहाँ पे रखी है, सब कुछ टाइम टाइम फिक्स होगी। बोलते हैं जो उसमें होश खो देते हैं, आज वही काम कर दिया हम दोनों ने। तो भाई अब क्या करे, थोड़ा सा एक्साइटेड तू था और फिर थोड़ा सा एक्साइटेड मैं हो गया। मना किया आपको, मैं पानी में मत लेके जाऊंगा। पकड़ना कोई नहीं मैं तो लेके जाऊंगा भाई। जब भी आप ऐसे कोई कारनामा करते हो ना तो पेशेंस रखो, गाड़ी आराम से निकल जाती है। अभी मैं भी घबरा गया था पता है, नहीं खड़नी थी अगर जिदा कंधी तो पिछले अमन का भाई, अमन जोश भी था भाई। जोश नहीं, मैं सोचो मैं प्रेस हो गया, पानी आया बीच। अमन ने पता क्या किया, मैंने यहाँ से ऐसे कर रहा, ये वाला टायर फंसा हुआ था, अमन ने एकदम से टायर रोटेट हुआ और पूरा मैं गिला भाई। खींचने वाले भी थे आप है? सीट बेल्ट लगाई थी आपने, तो सीट बेल्ट में की तरह दूसरा स्टाइल कर रहा था ना भाई। अच्छा अच्छा, अब जल्दी जल्दी से जूते पहनते हैं, जूते ले आता हूँ तेरे। हाँ ये अंदर पहनते, घड़ी भी भाई, घड़ी भी हाँ भाई। टेम्परेचर इस टाइम -10 में है और 9:42। अभी आपको एक चीज बताऊं मैं, हम दोनों अपने पांव गर्म कर रहे हैं भाई, हालत खराब। ये वाली रील थी वो, बस भाई ये वाली रील, ये देखो हम उनको बोला मैं कि तू रील बना बढ़िया सी, बस ये रील बना रहे भाई, चले एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ए भाई साहब ओहो हो, देखो तो सही मजे। ये गई पानी में, और फिर थोड़ा सा और जोश आया, और ये जोश आने के बाद जो है, और इसके बाद हम वीडियो नहीं बना पाए भाई, और ये हो गया कांड। अब बस भाई यहीं पे फंस गई थी भाई ये, और यहाँ पे निकल भी गई थी, फिर मैंने को करंट आया थोड़ा सा पीछे किया, बस यहीं फंस गई भाई। बोला
नदी के किनारे बैठे हुए हैं और बन रही है हमारी चाय। ओ भाई इसमें तो उफान आ गया है। और दूध कर रहा हूँ मैं यूज एवरीडे का। और ये पत्ती तो भाई घर से मम्मी ने दी। मजेदार सीक्वेंस है भाई, एक तो हमने सुबह चाय पी ली थी, एक चाय अब पी रहे हैं क्योंकि अभी हमने ब्रेड वगैरह खा लेनी है। सवेरे हमने ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। ये होगी भाई हमारी चाय के लिए मरम्मत तैयार। भाई देखो अपना देसी स्टाइल में चलता है सारा कुछ। थोड़ी चीनी भाई दो। बस भाई कितनी चीनी पीनी है तूने? ले दो मुठियां हैं भाई। देसी स्टाइल में रहता सारा कुछ हमारा। इतना कोई अच्छी पैकिंग नहीं है कि हम बहुत अच्छे से शो ऑफ करें। जो अपने पास सामान आ गया वो यूटिलाइज कर लिया। सैंडविच हमने पता कैसे बनाया हुआ है? अंदर भुजिया डाल रहे हैं और वैसे खा रहे हैं। टमाटर और प्याज काटने का भाई मन नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ठंड बहुत ज़्यादा है, -10 degree टेम्परेचर। अभी जल्दी से इसको निपटा के फिर चलेंगे हम आज की मॉनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। जो भाई बचा हुआ तेल है ना उसको भी डाल देते हैं इस पे ताकि अपनी टेंशन हो जाएगी खत्म। सारे सीन होने के बाद अब निकले यहाँ से। प्लस भाई एक सीन और हो गया, ऑफिस से बार बार फोन आ रहे थे, बार बार अपना काम हो दिए जाए हम मैं किए जाऊँ। और यहाँ पे बैटरी सफिशिएंट थी भाई, गाड़ी का फ्यूल में ज़्यादा यहाँ पे जला नहीं सकता। अभी देखते हैं क्या सीनेरियो बनता भाई आगे। यार सीरियसली सारा मूड ही खराब हो जाता है, माँ बहन एक हो जाती है मूड की। फोन भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी जगह में आए घर वाले परेशान हो जाते हैं। और भाई रोड देखो आप एक बार रोड देख के ना खुश हो जाओगे। बिल्कुल सीधे रोड है भाई, इन रोडों के तो हम दीवाने हैं। भाई अपनी गाड़ी पहुंच चुके की मॉनेस्ट्री। यहाँ से व्यू है कुछ इस तरीके से, वहाँ पे पहले रेस्टोरेंट था शायद अभी भी है। तो चलेंगे यहाँ पे कुछ खाना पीना खाएंगे, जो मेन व्यू है फोटो खींचने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पे जा करके फोटो आते हैं अच्छे वाली। धूप बिल्कुल सिर के ऊपर है, टाइम है 12:17। मॉनेस्ट्री जाने से पहले आपको एक बार ये व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो नीचे जहाँ से हम आए ना, सांस फूली हुई थोड़ी सी। और ये रोड है, यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और पूरे खेत ही खेत हैं भाई। इस साइड खेतों में कुछ लगा होगा जिसको जलाया हुआ है, तो क्या मस्त डिजाइन लग रहा है ना खेतों का। और इस साइड छोटा सा गाँव है, बीच में होम स्टे है और रेस्टोरेंट है। वहाँ पर पूरी नदी है भाई और ऊँचे ऊँचे पहाड़, ज़बरदस्त आइटम है भाई। अभी अंदर चलते हैं मॉनेस्ट्री, देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। हम चलें भाई, ऐसे जब आप मॉनेस्ट्री वगैरह आते हैं थोड़ा साइलेंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। टाइम चला हुआ था यहाँ पे अभी 12:40 तक लंच टाइम रहता है। अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये है आपकी की मॉनेस्ट्री का व्यू। यहाँ से ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है वहाँ पे, वो उस पार टीले पे, तब जाकर के मॉनेस्ट्री का व्यू आता है ए क्लास। अभी अमन बोल रहा है भाई बहुत ही जगह है घूमना, बहुत है, अभी हमने जाना नहीं है कहीं भी, चुपचाप अभी कहाँ चलो
इससे ना चिमचिम चीचम नहीं बोला जा रहा, चिमचिम बोल रहा है कि जितनी बार भी पूछा इसे चीचम भाई चिमचिम चिमचिम इसको चिमचिम ही लेके जाते हैं भाई। गाड़ी का व्यू ए क्लास आ रहा है भाई, ये मोमेंट ये लम्हे भाई वापस नहीं आने वाले। ए स्टार मेरी ए स्टार ही है भाई सीरियसली, इसकी तरह दमखम और किसी गाड़ी का नहीं है। भाई भूख लगी है ना तो थोड़ा सा माइंड अब काम नहीं कर रहा, माइंड शट डाउन हो चुका है। हम ले आए स्टिकर भी भाई अंदर लगाने के लिए, नोरियंग कैफे। वो देखो छोटा सा पपी, नहीं नहीं भाई है नहीं खाने के लिए बेटे, चलो चलो चलो। वो देख रहा है हमारे लिए खाने लिए लेके आया होगा, कुछ कुछ भी नहीं लाया मैं। जो बिस्किट लेके आए थे भाई जहाँ पे हम रुक रहे थे तो उनको दे रहे थे हम। ओ ले एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, कितने सारे आ रहे हैं भाई। ओए शेरो, अगर हम थोड़ा सा ट्रैक करते हैं ना तो ये वाला व्यू हमें देखने को मिलता। अमन भाई देख ले, अभी भी देख ले, बाद में मत रिग्रेट करना। देख लिया बस नहीं जाना ना। ट्रैक करना नहीं, नहीं भाई। यार ये व्यू है, यानी कि इस व्यू को देखने का असली मजा आता है जब यहाँ पे पूरी हरियाली रहती है भाई। अप्रैल में ये गेट्स वगैरह खुलते हैं, जब टूरिस्ट आता है उस टाइम पूरी हरियाली होती है, और भाई ये पूरे पीक पे होता है इसका। तो भाई यहाँ की कुछ यादें आपको याद आई, आप हमारे जो चैनल है उस पे भाई पहले की वीडियो देखना जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हमने स्केटिंग की थी। अभी तो भाई वो वाला सिस्टम है नहीं कि स्केटिंग कर पाए, कि हमें बर्फ वगैरह कहीं दिख ही नहीं रही है। लोकल मिले थे, उनकी गाड़ी रुकवाई, मैंने बोला कि भाई अभी हमने जाना है लांगजा, तो बोले लांगजा पीछे रह गया, यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू था भाई। 5 आइटमें छूट गई हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। एक बार में कवर कर लेंगे तो भाई साहब नेक्स्ट टाइम आने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। और भाई मैं तो यहाँ से एक ही अब वो लेकर के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा जब अपने पास 4x4 होगी और यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ पड़ी होगी तभी आऊँगा, अदरवाइज अब नहीं आऊँगा। जो निचार होकर के हम आए थे वहाँ पे सारे हमारा गेम खराब हो गया। और यहाँ जो लोकल हैं वो भी हमें एक ही बात बोल रहे हैं कि बाया लोसर होके जाना पड़ेगा हमें, वहाँ पे चेक पोस्ट है और वो आपको जाने नहीं देंगे आज, वो जाने देते हैं 8 बजे से परमिशन मिलते हैं वहाँ से जाने की। अभी हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का आज यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि आज अगर मैं और खींचता हूँ इस वीडियो को तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये चीचम ब्रिज वाला जो सिनेरियो है कल देखने को मिलेगा भाई, अच्छी खासी जैसे ये ऑफ रोडिंग है ना भाई, ऐसी कर इससे भी खतरनाक ऑफ रोडिंग करके हम निकलेंगे मनाली वाली साइड, क्योंकि अब हमने वापस नहीं होना है। तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, हमें बर्फ मिलती है या नहीं मिलती। अगर बर्फ मिलती है ना तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम लिंक बाउंड्रीज। जय हिंद।